सॉरी तृप्ति, मुझे माफ कर देना। यही हुआ था तबे। अभी एक ने सुसाइड किया था। वरुण, पहले पुलिस को भी यही लगा था कि सुसाइड है, लेकिन तृप्ति जी के इल्जाम के बाद तो मैंने एक बार फिर से इस केस की फाइल को खोला तो मुझे एक बात अजीब लगी। अभी क्या बैठा था, उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और उसी गिलास के टुकड़े नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़े थे। मतलब वो गिलास लेकर कूदा था। यही तो मैं सोच रहा हूँ वरुण, कि कोई इंसान अगर आत्महत्या करेगा तो ड्रिंक का गिलास लेकर क्यों कूदेगा? पहले वो ड्रिंक को खत्म करेगा, गिलास को साइड में रखेगा, फिर कूदेगा। अभी गिलास के साथ नीचे गिरा है, इसका मतलब एक गिलास की वजह से तुम एक सुसाइड को मर्डर कैसे कह सकते हो? एक मिनट, ओह माय गॉड, क्या हुआ? एक मिनट, दबे, तुम सही हो, ये मर्डर ही है। वो देखो, खिड़की से 5 फुट नीचे उस छज्जे पर उंगलियों के निशान, जैसे कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ था। ये निशान अभीक के होंगे, मैं चेक करवाता हूँ। एग्जैक्टली, और ये निशान तब के जब अभीक ने इस छज्जे को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की हो। एक आदमी जो आत्महत्या के इरादे से कूदा हो, कूदने के बाद फौरन अपना इरादा बदल के अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों करेगा? पीताम्बर ने अभीक को धक्का दिया होगा। गिरने से बचने के लिए अभीक ने छज्जे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ऐसा ही हुआ था, लेकिन धक्का पीताम्बर ने नहीं, किसी और ने दिया। वरुण, ये बात तो तय है कि अभीक सिन्हा की मृत्यु आत्महत्या नहीं, हत्या ही थी। पर अब एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। क्या सर? मैंने पुलिस से अभीक सिन्हा के मृत शरीर की कुछ तस्वीरें मंगाई थी, उनकी उंगलियों के बीच स्याही लगी हुई है। ये लकड़ी का तिनका पाया गया उनकी उंगली पर, शायद मरने से पहले उसके हाथ में पेन हो। नहीं, हर कथन में यह दर्ज किया गया है कि मरने से पहले उनके हाथ में शराब का गिलास था। कलम तो कहीं मिली नहीं पुलिस को, फिर ये स्याही कहां से आई? स्याही तो स्याही, ये लकड़ी का तिनका कहां से लगा? सर, शायद नीचे गिरते टाइम वो लकड़ियों के थ्रू, या दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ऊपर से नीचे कहीं लकड़ियां नहीं थी, तो फिर ये लकड़ी का तिनका आया कहां से? अब इस प्रश्न का उत्तर तो तेरी नानी ही दे सकती है। नानी? और भेंट हो जाए तो मेरा प्रणाम अवश्य कहना। ये देखा, स्टिंग कैमरा। सब नानी, ऑल द बेस्ट। राइट सर। बस 2 मिनट, माँ मयंती थोड़ी देर में हाजिर होंगी। वाह, वैसे ये किस पक्षी का कंकाल है? ये माँ मयंती का एक खास पक्षी है। 2 साल पहले उसने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद से माँ जब भी उसे बुलाती है उसकी आत्मा इस कंकाल में आ जाती है, और हमने इसे यहीं रखा है ताकि जब भी माँ उसे बुलाए वो आसानी से आ सके। अच्छा है, पक्षी की आत्मा उसी के कंकाल में आती है। अगर माँ मयंती के अंदर आके बोलती तो अजीब लगता ना। माँ मयंती पक्षी की आवाज में बोलती। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी नानी माँ की आत्मा मिल गई है। अच्छा? बहुत ढूंढा, तब जाकर ऋषिकेश के तट पर एक साधु के कमंडल में कैद वो हमें वहाँ मिल गई, और माँ इन्हें ऋषिकेश से लेकर आई है। जय माँ मयंती।
ना पटेल जी, क्या आप इस कमरे में हैं? आपका नवासा वरुण आपसे मिलने आया है। क्या आप इस कमरे? वरुण, वरुण, हूँ छो बेटा, छो बेटा, रत्ना भी, नान नानी, केटली खुश छो हूँ, तुझे इतने सालों बाद देखकर, अरे कितना बड़ा हो गया है तू, और तेरे माथे का घाव भी भर गया है। याद है, याद है जब तू मेरे सूरत वाले घर में आया था, तो छत से गिर गया था, केरी तोड़ते तोड़ते कितना बड़ा घाव लगा था, छह टाके आए थे, याद है न बेटा? लेकिन तब तो मैं सिर्फ 13 साल का था, और जब 20 साल का हुआ तब मोटरसाइकिल ठोक दी थी ना। अच्छा अब तो संभल गया तू? हाँ हाँ नानी, नानी आप कैसी हैं? अरे बेटा हूँ तो बहुत खुश छूँ। अरे पता है ऋषिकेश के एक बाबा ने मेरी आत्मा को उनके पास रख लिया है, बस दिन रात मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनसे बातें भी करती हूँ। पर बेटा, पर बेटा तुम लोगों की बहुत याद आती है, तू तू निर्मल, निर्मल हंसिका, और वो नालायक झीलमेल, उसको मेरा जय श्री कृष्ण बोलना। हाँ हाँ नानी, वो तेरे नाना है ना, तेरे नाना है, उनको बोलना कि तंबाकू छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं तो एक दो साल में मेरे पास आ जाएंगे। और वो तेरी कोकी मासी कैसी है? उनकी कमर का दर्द ठीक हुआ ना? सब नानी के बारे में सारी बातें सिर्फ घरवाले जानते हैं। कहीं सचमुच मेरी नानी की स्पिरिट तो नहीं आ गई? मेरे को भी मेरे ग्रैंडमदर के साथ बात करना है। जय माँ मयंती। ओह कम ऑन मिसेस बिलेबोरिया, बहुत रिसर्च किया है इन्होंने वरुण। पूछ अपने घरवालों से कि कोई आया था पूछताछ करने, किसी का फोन आया था, क्योंकि इतनी सारी निजी जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता। फाइंड आउट। मान लिया सर, लेकिन ऐसे अचानक आवाज बदलना? मेरी नानी एक औरत थी, लेकिन अभी की आवाज तो मर्दाना है ना। एक औरत आदमी की आवाज में ऐसे कैसे बोल सकती है? और वो बिजनेसमैन खिलनानी, उसका फादर का बैंक कोड माँ को कैसे पता चला? कम ऑन केडी। सर कुछ बातें इंसानी समझ से परे होती है सर। क्या कहना चाहता है तू? मैं इंसान नहीं हूं। कल अदालत में बात होगी माँ मयंती जी के साथ। जय माँ मयंती जी। समझ में नहीं आ रहा है योर ऑनर, क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली पाठक साहब? माँ मयंती जी को यहाँ पे अदालत में क्यों बुलाया इन्होंने? नहीं 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 जसवाल साहब, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलवाया, मतलब इन्हें यहाँ बुलाया है इनके द्वारा उन्हें यहाँ बुलाने के लिए, अभिक सिन्हा जी को इनके अंदर बुलाने के लिए। अंततः यही तो इस समस्या की जड़ है। अगर अभिक सिन्हा साहब इनके अंदर प्रकट न होते और ये न कहते कि पीताम्बर ने उनकी हत्या की है, तो ये मुकदमा ही नहीं होता। माँ जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से विनती करता हूँ कि कृपया कर मिस्टर अभिक सिन्हा की आत्मा को अपने अंदर बुलाइए, ताकि हम दोनों उनसे वार्तालाप कर सकें, प्रश्न पूछ सकें, उत्तर पा सकें। प्लीज बुलाइए ना। जी नहीं। जी नहीं से आपका अर्थ क्या? वो उनकी आत्मा बिजी है इस समय या अदालत में नहीं आ सकती, ये क्या? जी 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 नहीं,
अदालत में नहीं आ सकती। अदालत में नहीं आ सकती, लेकिन माँ जी मेरे जानकारी के अनुसार तो आत्माएं मुक्त होती हैं, वो तो बिना किसी बंधन के यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, तो अदालत में आने से क्या क्या आपत्ति हो सकती है उनकी आत्मा को? नहीं नहीं देखिए, मैं ये बात मानने को तैयार। जी क्यों जिद कर रहे हैं आप? क्यों मानने को तैयार नहीं? इतने यकीन से आप कह रहे हैं जैसे हर हफ्ते भरदोल में आत्मा बुलाते हैं अदालत में। नहीं नहीं, हर हफ्ते नहीं बुलाता, किंतु इस हफ्ते इस समय आज यहाँ अदालत में मैं आत्मा बुलाना चाहता हूँ। अब माँ जी के संपर्क में आके थोड़ा बहुत आत्मज्ञान मुझे भी प्राप्त हो गया। व्हाट मिस्टर पाठक, आप ये कैसी बातें? बोलने दीजिए जज साहब, इनको जो करना है करने दीजिए। वैसे भी हर हफ्ते कोई ना कोई नया खेल करते रहते हैं, लेकिन आज आपका ये खेल फेल होने वाला है। कैरी ऑन योर ऑनर। मैं आज इस अदालत में अपनी दादी माँ को बुलवाना चाहूंगा। दादी माँ, दादी माँ प्लीज आइए, इन सबको बताइए कि ये सत्य है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आइए बताइए कि ये मजाक नहीं, ये ढोंग नहीं, ये सत्य है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। अरे प्रदीप बेटा, प्रदीप बेटा, तू जज बन गया, जज बन गया। बचपन में तो तू पजामे का नाड़ा भी नहीं बांध पाता था, याद है ना तुझे? याद है ना तुझे? मिस्टर पाठक, आई मीन मिसेज पाठक। दादी माँ बोल, दादी माँ, दादी माँ। निखट्टू, निखट्टू, तू वही है ना एम जयसवाल, जब देखो तभी मेरे पोते के साथ में भिड़ता रहता है, भिड़ता रहता है। 10 मिनट में कभी कोई केस नहीं जीतने वाला, तू याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। और प्रदीप चलती हूँ, देखना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सोच समझ के निर्णय लेना, समझ के निर्णय लेना। योर ऑनर, दादी माँ आई थी क्या? आई थी, आई थी। टेप रिकॉर्डर, टेप, टेप, योर ऑनर, टेप, टेप। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वो स्वर, वो आवाज मेरे शरीर पर छिपाए हुए टेप रिकॉर्डर के द्वारा आ रहा है। योर ऑनर, मेरी परीक्षण ले ली जाए। ना तो मैंने आवाज बदली है, ना कोई टेप रिकॉर्डर छिपाया है मैंने। वाकई वास्तविकता में दादी माँ आई थी। अब माँ जी, मैं एक नवसिखिया होकर अपनी दादी माँ की आत्मा को अगर अदालत में बुला सकता हूँ तो आप तो महाज्ञानी हैं। क्या बकवास है ये? अगर माँ चाहे तो वो भी आत्मा को यहीं इसी अदालत में बुला सकती है। मिस्टर महिपाल, प्लीज सिट डाउन। माँ आपको चुनौती दे रहे हैं, बुलाइए अभिक सिन्हा की आत्मा को। कह रहे हैं अभी के साथ है, आपको तो चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करती हैं माँ जी? जी। मिस्टर अभिक सिन्हा, क्या आप यहाँ पर हैं? मिस्टर अभिक सिन्हा, क्या आप यहाँ पर हैं? अभिक सिन्हा, मेरे अंदर आइए। मिस्टर अभिक सिन्हा, क्या आप यहाँ पर? जज साहब,
जज साहब, मैं आ गया हूँ जज साहब, आ गया हूँ जज साहब। मैंने आत्महत्या नहीं की है, आत्महत्या नहीं की है, आत्महत्या नहीं की है मैंने, आत्महत्या नहीं की है मैंने। मेरा खून हुआ है और मेरा खूनी, और मेरा खूनी ये मेरे सामने रहा, पीताम्बर रहा, पीताम्बर। लेकिन लेकिन सिन्हा साहब, मेरे मुवक्किल का ये कहना है कि इसने इसने आपकी हत्या नहीं की। मिस्टर सिन्हा, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। उस रात जब मैं खिड़की पर बैठा था, तो उसने मुझे, उसने आपको, बोलिए ना सिन्हा साहब, उसने आपको, वो लगता है संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया, कमाल है। यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आपका, किंतु मेरे इस फोन पर तो फुल नेटवर्क है। योर ऑनर, अदालत में अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति चाहता हूँ, एक कॉल करने की अनुमति चाहता हूँ। किसे फोन करना चाहोगे केडी? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मुझे अपनी दादी माँ को फोन लगाना पड़ेगा। मैं दादी माँ को फोन, स्पीकर फोन। दादी, मैं केडी। गुड्डू बेटा। दादी, कितने दिनों बाद तेरी आवाज सुन रही हूँ, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हूँ, बस वही घुटने की तकलीफ है। गुड्डू बेटा, लौट आओ, क्यों अपने बाप की तरह जिद्दी हो रहे हो? तुम्हारे और तुम्हारे बाप की लड़ाई में बेटा तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। दादी दादी मैं दादी सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इस समय बाहर बाहर हूँ, मेरा संपर्क टूट रहा है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बेटा चरण स्पर्श दादी, बाय। कहाँ फोन किया था अपने दादी माँ को? स्वर्गलोक? नहीं नहीं, जयपुर। योर ऑनर, भगवान की कृपा से मेरी दादी माँ अभी जीवित है, बस थोड़ी बहुत घुटने की तकलीफ है जैसा कि आपने सुना, बाकी सब। साइलेंस इन द कोर्ट। तो फिर तुम्हारे अंदर वो बूढ़ी औरत की आवाज? योर ऑनर, वास्तविकता में वो ध्वनि, वो स्वर मेरे अंदर से नहीं, बाहर से ही आई थी, निलंजना जोशी जी के बदौलत। ये एक वेंट्रिलोक्विस्ट है, गरुड़वादी है। कौन सी वादी? सरल भाषा में एक ऐसा व्यक्ति जो जो अपनी आवाज को दूर तक फेंक सकता है ताकि ऐसा लगे कि वो आवाज कहीं और से आ रही है, किसी और के गले से आ रही है। योर ऑनर, जिस प्रकार से कठपुतलियों के खेल में होता है। मतलब बोल वो रही थी, आप सिर्फ होंठ हिला रहे थे। अरे प्रदीप बेटा, तू जज बन गया? बचपन में तो तू पजामे का नाड़ा भी नहीं बांध पाता था, याद है ना तुझे? जी योर ऑनर, एक 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 मिली भगत सत्य को बाहर निकालने के लिए, सत्य के खोज में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो, तो क्षमा चाहता है योर ऑनर। जसवाल साहब, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। तो माँ मयंती जी, ये जो खेल मैंने अभी खेला, यही खेल आप और आपके जो गुट है वहाँ भी खेला जा रहा था। अब खेलने को खेल बचा नहीं, तो कृपया कर अदालत को बताइए कि मेरी आत्मा की आवाज़ सच है या मेरी आत्मा की आवाज़ सच है। जज साहब, मुझे तो 2,000 रुपये पहरने मिलते हैं जी। मैं तो जी सारवांटू हूँ, एकदम कठपुतली, और उसकी डोर माई प्राजी के हाथों विच है। और ये सारा तमाशा ना उन्हीं का किया दरा है, माई प्राजी का। जी निवर्चला, मेरी वाइफ और मैं
हम दोनों वेंट्रिल ऑफिस से। 4 साल पहले मयंती मधुक को जरिया बनाकर हमने लोगों को ठग कर लाखों रुपए कमाने का एक प्लान रचा। हमने सोचा हम लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों की रूह को बुलाने के बहाने से मयंती के थ्रू अपना वेंटिलोकिज्म करेंगे। हाँ जानता हूं मैं, उस रिकॉर्डिंग में जब मैंने आपकी पत्नी निर्वचला के होठ पीछे से हिलते हुए देखे तभी आभास हो गया था मुझे कि असल खेल क्या है। रिकॉर्डिंग? और फिर आप लोग अपने अपने यजमान से थोड़ा समय मांगते थे ताकि उस समय में आप लोग ये उसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त कर सके वो कर ले, उनके घर वालों से, उनके व्यावसायिक मित्रों से इत्यादि। जी जी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर जब मैं 19 साल का था तब। महीप्राजी, ये आपकी आत्मकथा लिखने का बहुत समय मिलेगा आपको जेल में। ये बताइए कि आपने मिस्टर सिन्हा के आत्मा द्वारा बेचारे गरीब को क्यों फंसवाया? उस पियोन सहदेव के कहने से। आगे की कहानी बताइए। मिस शैला जब हमारे अभिक की रूह को बुलाने के लिए आई थी तब उनसे भी हमने 2 दिन की मोहलत ली थी। उस दौरान मैंने अभिक के ऑफिस जाकर रिसर्च की एक पत्रकार बनकर। नैनीताल की झील में उन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था, ये सब उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था। थैंक्स। ऐसी एक्सक्यूज मी। श्योर। निवर्चुला, अभी के ऑफिस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है उसके पास के बारे में। अब तुम एक काम करो, उसके पेरेंट्स के घर पर जाकर बाकी की इंफॉर्मेशन ले लो। उसके बाद हम माँ मयंती के थ्रू अभिक की रूह को बुलाने का ढोंग करेंगे। अभिक सिन्हा हाजिर हूं। अभिक सिन्हा के रूह को बुलाने का ढोंग है? सुन, यहां पे जो कुछ तूने सुना जाने का, समझे? बासरा, समझा। मुझे ये बता कि गेम क्या है। मैं अभी पुलिस के पास जाता हूं मैं। उसके बाद जब मजबूर होकर मैंने सारा गेम सहदेव को समझाया तब उसने हमारे सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि कल जब मिसेस सिन्हा अभी की रूह से बात करने के लिए माँ मयंती के पास आए तब माँ मयंती उसे ये बताया कि पीताम्बर ने उसका खून किया है। और उसने हमसे ये कहा कि अगर हमने ये नहीं किया तो वो हमारे स्कैम का पर्दाफाश कर देगा। जी साहब, मैंने इन लोगों से पीताम्बर को फंसाने के लिए कहा था। क्योंकि आपने मारा है अभिक सिन्हा। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। हुआ ये था कि जिस रात पीताम्बर। तू एक काम कर, तो ना सब भूल जा। मैं सीरियस हूँ सहदेव। हम दोनों भाई मिल करके सिन्हा को मारने का प्लान बनाते हैं और उसको मार करके उसकी माँ सटीक भेज करके दोनों भाई आधा आधा पैसा बांट लेंगे। माँ कसम साहब, मैंने मर्डर प्लान नहीं किया था साहब। मैंने तो उसे इनकार कर दिया था। अब पीताम्बर से पूछ लिया साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह यह था कि जिस रात साहब खिड़की से नीचे गिरे थे उस रात मैं लॉबी में ही था। पीताम्बर इतनी देर तक यहां और ये पैसे चोरी करके कहां भाग रहा है? सदे, जल्दी नीचे चलो, साहब खिड़की से नीचे गिर गए। क्या बात, मुझे पक्का यकीन था कि पीताम्बर ने ही अभिक सर को धक्का दिया, उनका मर्डर किया। पर इतनी रात को साहब
वो हमारे ऑफिस में क्यों आता? और फिर मैंने पीताम्बर को बार में बुलाया। क्या बे? किस बात के पैसे? है? किस खुशी में? मुझे ना आधा पैसा दे दे, नहीं तो पुलिस के सामने तेरी पोल खोल के रख दूंगा। किसकी पोल? कैसी पोल? यही कि तूने सीना साहब का मर्डर किया। क्या? हाँ, और उनका पैसा लेके भागा है। अभी उसमें से आधा दे दे, नहीं तो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साले किसी के सामने बोलना मत, मैंने किसी को नहीं मारा, मत खराब कर। बे पीताम्बर, तू ना मुझे लपेट मत, नहीं तो मैं तो तेरे ना पूरी की पूरी 12 बजा दूंगा, तब समझ में आएगा। आधे पैसे दे दे चल। तुझको पैसा चाहिए ना? पैसा चाहिए। मुझे बहुत खुन्नस था उसके ऊपर, मैं उससे बदला लेना चाहता था, मैं उसे फंसाना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए थे, मना कर दिया था उसने। लेकिन साहब, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे मौका मिल गया। महिपाल का झूठ पकड़ा गया और उसी समय मैंने प्लान बनाया और पीताम्बर का पीछा किया। वो अपने खोली में गया और नीले संदूक में उसने पैसे और चाबी छुपाए। मैंने सारा इंफॉर्मेशन महिपाल को दे दिया। पीताम्बर के घर में एक नीला संदूक है, उसके अंदर श्री देवी की तस्वीर वाला एक डब्बा है। उस डब्बे में उसके कातिल होने के सारे सबूत तुम्हें मिलेंगे। साहब, जब पुलिस को चाबी और पैसे मिले तो मैंने सोचा पीताम्बर अंदर हो जाएगा और दूर दूर तक मेरा नाम नहीं आएगा। साहब, बस मेरा इतना ही रोल था साहब, मैं तो बस बिना सामने आए खूनी को सजा दिलवाना चाहता था। खूनी तू है? मैंने अभी सेठ को नहीं मारा, तू था उतरा था पे, तू था। अरे झूठे, तूने मारा। ऑर्डर ऑर्डर, चुप हो जाइए आप लोग। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। चलिए सर, एक बात तो क्लियर हुई, ये कोई आत्मा वात्मा का चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन हत्या का तो है, किसी न किसी ने तो अभीक सिन्हा को उस खिड़की से धक्का दिया था। इस डूबते केस को बस इस तिनके का सहारा है। जाओ उस बिल्डिंग में जाओ और पता लगा कि ये तिनका आया कहाँ से। तब तक मैं क्या सर? तब तक मैं सोचता हूँ वरुण, ये माँ मयंती केस खुलासे के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, प्रश्न का उत्तर सोचता हूँ। तू जाके पता लगा कि ये तिनका कहाँ से टूटा। राइट सर। वरुण, क्या ढूंढ रहे हो यार? पिछली बार सब देख तो चुके हैं। हाँ, पर एक चीज है जिसे देखकर भी नहीं देखा था। लकड़ी संभाल के वरुण, संभाल के। लकड़ी वरुण, ये पेन और ये लकड़ी तो किसी कारपेंटर ने छोड़ी हो, इसका भीग के नीचे गिरने से क्या ताल्लुक? इसका जवाब मैं नहीं, केडी सर तुम्हें देंगे अदालत में। शैला जी, जो अभिक सिन्हा जी थे, क्या शादी के बाहर
कोई उनका संबंध, नाजायज संबंध किसी के साथ था? नहीं। और अगर मैं कहूं कि शादी के बाहर मिस्टर अभीक सिन्हा का नाजायज संबंध था और वो नाजायज संबंध उनका आपके साथ था, तब क्या कहेंगे? मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं यार, मैं वही कह रहा हूँ जो इस कलम को देखकर मेरी समझ में आया। ये कोई आम कलम नहीं है शैला जी, बहुत ही महंगा बहुमूल्य कलम है। लोग एक दूसरे को अक्सर तोहफे के रूप में देते हैं, और अक्सर ऐसे महंगे भेंट देने से पहले प्यार करने वाले कोई प्यार भरा संदेश उस तोहफे पर गुदवा लेते हैं। इस कलम पर भी है, टू ए एस अभीक सिन्हा, द लव ऑफ माई लाइफ, सो स्वीट, टू द लव ऑफ माई लाइफ। सपोजिटली तृप्ति सिन्हा वॉज अभीक सिन्हाज वाइफ, संभव है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है शैला जी कि यह तोहफा उन्होंने, उनकी वाइफ ने नहीं, आपने उन्हें दिया था। और आप मेरी इस बात को नकारें, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कलम 12 जून सन 2012 को लंदन के मार्टिन पेन कंपनी से खरीदी गई थी, और इसका जो बिल था उसकी भरपाई आपके क्रेडिट कार्ड से की गई थी। लव ऑफ माई लाइफ शैला जी। जी, मेरा और अभी का फैन था। लेकिन मैंने अभीक को मारा नहीं। शैला जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभीक सिन्हा जी को उनके विवाहित जीवन के भंग हो जाने का डर था, और वो इसी डर के चलते, इसी भय के चलते आपको छोड़ना चाहते थे, लेकिन आपको मंजूर नहीं था, इसलिए उस रात आपने उस केबिन में जाकर उन्हें जी। एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जबकि शैला जी अपने बयान में ऑलरेडी कह चुकी है कि जब अभीक गिरा तब शैला जी एक फ्लोर नीचे थी, ऊपर आ रही थी, अभीक के कैबिन तक पहुंचने से पहले अभीक गिर चुका था। मुझे पूरा विश्वास है शैला जी कि इस बात का कोई साक्षी, कोई सबूत, कोई गवाह अवश्य होगा आपके पास, है जी? अभीक के बिजनेस पार्टनर मिस्टर गिरीश किलनानी, उनको जरूर मालूम होगा, क्योंकि अभी के केबिन तक पहुंचने के लिए मुझे पहले उनका केबिन क्रॉस करना पड़ता है। आप प्लीज उनसे पूछिए ना, प्लीज। जी हाँ, मैंने शैला को अपने केबिन के सामने से गुजरते हुए अभी के केबिन की तरफ जाते हुए देखा था। लेकिन तब नहीं जब वो कह रही है अभी के मरने से कुछ 5 मिनट पहले। तो आप ये कहना चाह रहे हैं खिलानी साहब कि ये संभव है कि शैला जी ही सिन्हा जी के कैबिन में गई और उन्हीं ने नशे की हालत में सिन्हा जी को ढकेल कर उनकी मृत्यु की ओर भेज दिया? अब ये कह रहे हैं कि ये हत्यारिन जो है वो शैला जी है, ये कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं जी? हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अल्पना जी, जो सिन्हा साहब की सेक्रेटरी है, उनसे पता किया कि किस समय शैला जी सिन्हा साहब के कैबिन में गई थी, और उनका ये कहना है कि सिन्हा साहब के गिरने के बाद वो वहां गए थे। इस कथन के अनुसार शैला जी सच बोल रही हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप झूठ? क्यों? लेकिन मैं झूठ बोलूंगा क्यों? झूठ तो आप अदालत में पहले भी बोल चुके हैं। वो माँ मयंती जी का किस्सा, आपके पिताश्री का वो लॉकर,
जिसका कोड केवल वही जानते थे, वही कोड माँ मयंती ने आपको बताया था। 9 8 3 6 3 2 9 8 3 6 3 2 रिंग अ बेल। लेकिन वो कोड मुझे मयंती जी ने ही दिया है, अब चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। अब माँ मयंती जी से क्या पूछना, असली जो इस कांड के कर्ता धरता है महिपाल और निवर्चला, उन्हीं से पूछना चाहिए। और उनसे पूछा मैंने तो महिपाल जी का ये कहना था कि 983632 उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर है जो उन्होंने यूं ही आपको दे दिया था। और आपने कहा कि उन्हीं नंबरों से आपके पिताजी का बैंक लॉकर खुल गया, जबकि आपके पिताजी का लॉकर जिस बैंक में था उस बैंक में सारे लॉकर केवल 5 अंकों के कोड से खुलते हैं। 983632 6 अंक होते हैं, तो 6 कैसे हो गया? अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। वेरी गुड आइडिया, आप कीजिए अपने वकील से बात। और जब अपने वकील से बात कर ही रहे हैं तो उनके साथ इस डंडे के बारे में, इस लकड़े के बारे में भी बात कीजिए। इस लकड़ी से मेरा क्या लेना देना? मेहनत करवाते हैं आप लोग मुझसे। चलिए दोबारा विस्तार में किस्सा सुनाता हूं। सिन्हा साहब पर वार करने के बाद जैसे ही सिन्हा साहब नीचे गिरे, हत्यारा उस कमरे से बाहर भाग गया। इससे पहले कि बाथरूम में छिपा हुआ पीतांबर कमरे में आए या नीचे से ऊपर आती हुई शैला कैबिन में दाखिल हो, और वो व्यक्ति, वो हत्यारा सवाल पूछू। सबूत? हाँ सबूत। क्षमा चाहता हूं कि यह जानकारी आप तक नहीं पहुंची जायसवाल साहब। सबूत बहुत सरल और साधारण है। इस डंडे पर इनकी उंगलियों के निशान हैं और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट जज साहब की मेज पर है। क्या अब भी आप अपने वकील से बात करना चाहते हैं खिल्लानी साहब, या हम ही डायरेक्ट बात कर लें? अब देखिए क्या है, गुमगाम के आपको आना तो यही है, आज नहीं तो कल। अब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वुड यू लाइक टू कन्फेस? पिछले 3 सालों से मैंने अभी के भरोसे का गलत फायदा उठाकर कंपनी में लाखों करोड़ों का गबन किया था। अभी को इस बात का पता चला और मैंने उसे झूठ बोला, लेकिन उसने मेरे झूठ का सबूत मांगा और 2 दिन की मोहलत दी। 2 दिन बीत चुके थे, मैं फंस गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अभी से मिलूंगा, उसके हाथ पैर जोड़कर उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन जब मैं कैबिन में गया वो नशे के हालत में धुत अकेले, पता नहीं मुझे क्या सूझा, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने उसे धक्का दे दिया। और फिर पीतांबर पकड़ा गया तो उसे फंसाने के लिए मैं माँ मयंती के पास गया और वो कोड का ढोंग किया, बाकी जैसे आपने कहा। डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत गिरीश खिल्लानी को अभीक सिन्हा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है।
और पीताम्बर गुप्ता को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक सर जी, एक रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे मेरा आपसे कहना बनता तो नहीं है, आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर भी जिस प्रकार से पीताम्बर बेचारा बड़ी बड़ी बातें करने के कारण फंस गया, उस प्रकार मुझे लगता है आप भी किसी दिन फंस जाएंगे। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना किया करिए। मेरे बाबूजी कहा करते थे, लोगों को प्रभावित बातों से नहीं अपने कर्मों से कीजिए।